अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू जायका कानपुरी। तो आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं पूरी के साथ सर्व की जाने वाली कद्दू की खट्टी मीठी सब्ज़ी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर हम सबसे पहले चीज़ें देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें होल ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो इन्हें पाउडर बनाकर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सरसों ले ली है 1 टीस्पून, सौंफ ले ली है 1 टीस्पून, अजवाइन लिया है मैंने 1 टीस्पून, 4 से 5 लहसुन मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इसके अलावा हमने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून करौंजी लिया है और 2 होल रेड चिली लिया है। पाउडर मसालों में हम देख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नमक 1/2 टीस्पून ले लिया है और साथ ही में मैंने हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, अमचूर पाउडर यानी पीसी खटाई मैंने लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून लिया है क्योंकि हमने यहाँ पर होल रेड चिली भी ली है, धनिया पाउडर मैंने 1 टीस्पून ले लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, ये मैंने कलर के लिए लिया है, आप चाहें तो ना यूज़ करें, ऑप्शनल है। कद्दू मैंने यहाँ पर 1/2 kg ले लिया है, इसे मैंने छिलके के साथ ही कट कर लिया है इस तरह से। आप चाहें तो इन्हें पील कर लें, यानी कि इनका जो छिलका है वो आप निकाल भी सकते हैं, मैंने छिलके के साथ लिया है। तो 2 टेबलस्पून हम यहाँ पर ऑयल ऐड कर देंगे, ऑयल गर्म होने देंगे अच्छे से और उसके बाद हम ऐड कर देंगे जितने भी हमने आपको इंग्रेडिएंट दिखाए थे, होल ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो कुछ सेकेंड्स के लिए इन्हें हम फ्राई होने देंगे। अब हम ऐड कर देंगे गार्लिक, इन्हें भी हम अच्छे से फ्राई हो जाने देंगे। तो हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इन चीज़ों को। तो खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है होल स्पाइसेस की। लो फ्लेम पर ही हम इन्हें फ्राई कर लेंगे, अगर हम फ्लेम हाई करेंगे तो ये जल जाएंगे। जो भी हमने होल स्पाइसेस ऐड किए हैं तो इसलिए लो फ्लेम ही रखें। और अब हम ऐड कर देंगे कद्दू, इन्हें भी अच्छे से स्पून से चला चला कर हम फ्राई कर लेंगे। दो से तीन मिनट हम इसी तरह से भून लेंगे ऑयल में कद्दू को। ऑयल में अच्छे से कद्दू भून चुका है, अब हम यहाँ पर पाउडर मसाले ऐड कर देंगे और अच्छे से स्पून चला लेंगे। तो मसाले ऐड कर देने के बाद हम अच्छे से स्पून चलाएंगे ताकि हमने जो कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह ऐड किया है उसका कलर आ जाए कद्दू में। तो अब हम यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर देंगे ताकि कद्दू अच्छे से गल जाए और हम कवर करके पका लेंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो 10 मिनट बाद हम सब्ज़ी चेक कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमारी सब्ज़ी गल चुकी है और कलर अच्छा आ गया है। अब हम यहाँ पर 1 टीस्पून चीनी ऐड कर रहे हैं। तो इस सब्ज़ी में आप चीनी ज़रूर ऐड करें, चीनी ऐड कर देने के बाद इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं सब्ज़ी में थोड़ा पानी रहे तो आप अभी गैस स्टोव बंद कर दें। अगर आप ड्राई सब्ज़ी चाहते हैं तो पानी इसका ड्राई कर दें। मैंने पानी ड्राई कर दिया है, इसका सिर्फ ऑयल बचा है। गैस स्टोव बंद कर देंगे हम। तो हमारी खट्टी मीठी कद्दू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, मैं इसे पूरी के साथ सर्व करूंगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।